हर्सलेन गर्मी के मौसम में खिलने वाले फूल हैं। बारिश का पानी मिलते ही पौधा फूलों से भर जाता है। टिडबिट्स ऑफ लाइफ में आप सभी का स्वागत है। मैं स्नेह। हर्सलेन के रंग बिरंगे फूल क्यारियों में भरकर खिले हुए बहुत सुंदर लगते हैं। ज़्यादा फूल पाने के लिए इन पौधों की केयर मैंने कैसे की है आज के वीडियो में शेयर किया है। गार्डन की ये छोटी सी डिज़ाइन है जहाँ पिछले साल मैंने नारंगी रंग के फूल लगाए थे। नारंगी के साथ कुछ पीले कुछ गुलाबी पौधे भी इस बार मैंने लगाए हैं। ये पौधे मिट्टी में लगे हुए हैं। मई जून में गर्मी की वजह से पौधों की ग्रोथ ज़्यादा नहीं हो रही थी। जैसे ही बारिश शुरू हो गई फूलों के पौधों के बीच में घास के साथ कुछ जंगली पौधे भी निकल आए। बारिश शुरू होने पर जब मिट्टी सॉफ्ट हो गई बेकार पौधों को निकालकर क्यारी की सफाई कर दी। हर्सलेन के पौधे तेज़ी से फैलते हैं जिसके लिए इसे जगह की ज़रूरत होती है। खाली जगह में हर्सलेन के पौधों की कुछ कटिंग्स और लगा दी। हर्सलेन के पौधे कटिंग की सहायता से लगाए जा सकते हैं। कटिंग्स बरसात में जल्दी लग जाती हैं। 15 दिन या एक महीने के बाद बाद कटिंग्स लगाते रहने से खिले हुए फूल हमें ज़्यादा समय तक मिलते रहते हैं। पौधों को बीज की सहायता से भी लगाया जा सकता है। हर्सलेन के फूल गुलाबी नारंगी पीले और सफ़ेद रंगों में पाए जाते हैं। कुछ फूल मिक्स कलर और शेड्स वाले भी होते हैं। कई रंगों के फूल जहां एक साथ लगे हुए होते हैं बीज गिरने से मिक्स कलर के शेड्स वाले फूलों के पौधे निकल आते हैं। जिस मिट्टी में पौधे लगे हुए हैं रेतीली है जिसमें पत्तियों की खाद मिली हुई है। मिट्टी में लिक्विड काऊ डंग कंपोस्ट का स्प्रे किया है। पौधों में बहुत ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं होती। फूलों के खिलने का मौसम शुरू होते ही एक बार खाद दे देना काफ़ी होता है। पौधों को जल्दी घना और बड़ा करने के लिए केमिकल खाद भी दी जा सकती है। केमिकल खाद देने के लिए NPK 19:19:19 2-3 ग्राम 1 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे किया जा सकता है या मिट्टी में भी डाला जा सकता है। पत्तियों के ऊपर खाद का स्प्रे शाम के समय करना चाहिए। धूप पड़ने से पत्तियां जल सकती हैं। हमारे यहाँ जुलाई महीने से लगातार बारिश हो रही है। सिर्फ 1-2 दिन के लिए धूप निकली थी। मिट्टी रेतीली होने से बारिश का पानी रुकता नहीं है, निकल जाता है। मिट्टी में अगर पानी रुका रहेगा पौधे की रूट्स खराब हो सकती है। बारिश होते रहने पर फूल खिल नहीं पाते, धूप निकलने पर खिलते हैं। यहाँ इन्हें बारिश का पानी मिलता रहता है। बारिश के बाद जब धूप निकलती है फूल बहुत ज़्यादा खिलते हैं। हर्सलेन के फूल सुबह 7 बजे धूप निकलते ही खिलने शुरू हो जाते हैं। शाम को 6-7 बजे तक खिले रहते हैं। पौधे जहाँ लगे हुए हैं सुबह से शाम तक की धूप मिलती रहती है। जहाँ दिन भर की धूप आती रहती है फूल ज़्यादा अच्छे खिलते हैं। इन पौधों को रोज पानी देने की ज़रूरत नहीं होती। 1-2 दिन के बाद बाद मिट्टी हल्की सी सूखने के बाद पानी देना चाहिए। यहाँ बहुत सारे पौधे और लगे हुए हैं। कलांचू के पौधों में सूखे हुए फूल लगे हुए हैं जिन्हें तोड़कर मैंने मिट्टी में डाल दिया है। फूलों में अगर बीज होंगे नए पौधे निकलेंगे। श्यामा तुलसी के कुछ पौधे भी निकल आए हैं जिनमें बीज बन गए हैं। बीज गिरते रहने से नए नए पौधे और भी निकल आते हैं। पर्पल हार्ट के 1-2 पौधे हैं। बारिश
और धूप मिलते रहने से रंग काफ़ी गहरा है। फूलों के पीछे दीवार के पास कुछ सब्जियों के बीज भी डाले हैं जिनसे पौधे निकलेंगे। सब्जियों के पौधे बड़े होने पर पीछे की दीवार हरी दिखाई देती है, कुछ सब्जियां भी निकल आती हैं। सकुलेंट फैमिली का पौधा है, कम देखभाल होने पर भी इन पौधों में फूल खिलते हैं। केयर करने पर फूलों के रंग में चमक आती है, फूल बड़े खिलते हैं, बहुत सारे खिलते हैं। पौधे साल भर लगे रहते हैं। साल भर बचाए रखने के लिए पौधों को सिर्फ पानी देते रहना चाहिए। गर्मी में पौधे की ग्रोथ तेज़ी से होने लगती है। फूल बारिश के मौसम में ज़्यादा आते हैं। पौधे में फूल सितंबर अक्टूबर तक खिलते रहते हैं। कई रंगों के फूल एक साथ लगे हुए अगर पसंद आए हों कमेंट्स में बताइएगा। खिलते हुए किसी नए फूल के साथ जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार, धन्यवाद।